बीएसपी से मान्यता प्राप्त यूनियन भारतीय इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता ली। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि यूनियन का चुनाव 3 साल के लिए किया गया है। चुनाव में 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसकी विधिवत सूचना रजिस्ट्रार को दे भी दी गई। रजिस्ट्रार के यहाँ से हमारे यूनियन को ई फॉर्म मिला है। पत्रकार वार्ता में यूनियन से संबंधित जानकारी बीएमएस के पदाधिकारियों ने इस प्रकार से दी है। मजदूर संघ बीएमएस से संबंध भिलाई स्टील प्लांट में मान्यता प्राप्त यूनियन का 3 साल का चुनाव हुआ 10/10/2023। इस चुनाव में 3 साल के लिए फिर से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए निर्वाचित किए गए उन पदाधिकारियों का रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रजिस्ट्रार के यहाँ दिया था। वो रजिस्ट्रार के यहाँ से लिपिबद्ध होकर हमको ई फॉर्म मिला है। उसी ई फॉर्म के लिए हमने आज प्रेस वार्ता रखा और हमारे माध्यम से आपको इस लिपिबद्ध जो हमारे ई फॉर्म है आपको उपलब्ध कराया। हम लोग भिलाई इस्पात संघ के लगातार जब से चुनाव जीते हैं मान्यता में आए लगातार कर्मचारियों को इसमें काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहला QR कोड को बंद कराया। एक बहुत ज़्यादा वातावरण कर रहा था भिलाई स्टील प्लांट में, QR कोड आने से एक दहशत बना हुआ था। हमने हमारी यूनियन के माध्यम से पूरी ताकत से लड़ा और QR कोड को बंद कराया। दूसरा, जो क्वार्टर थे 5 लाख लिया जाता था लाइसेंस में, उसकी भी लड़ाई लड़ी और 2.5 लाख में हमने क्वार्टर कराया। अभी 5 लाख का 2.5 लाख हुआ है लाइसेंस का क्वार्टर। वो कितने स्क्वायर फीट तक के हैं? 400 स्क्वायर फीट तक का। नहीं नहीं, 400 स्क्वायर फीट तक का। 200 का 2.5 लाख है अभी। 200 का 2.5 लाख, उसके ऊपर 400 का फिर 5 लाख है ना। नहीं, पहले 5 लाख लिया जाता था उसका भी, उसको 2.5 लाख कराया हमने। और पहले जैसे हमारे नए कर्मचारी L1 से L3 भर्ती होते थे, उनको ट्यूबलेट सेट बोरिया 2B का मकान मिलता था। आज हम 1Z से शुरुआत किए कि जो भी भर्ती होगा उनको 1Z के स्तर का क्वार्टर मिलेगा और 3 से लेके 6 तक का क्वार्टर भी हमने BMS के माध्यम से दबाव बनाकर दिलवाया।